जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट पर फिर से आप सही भक्तों के लिए नई उदास वीडियो लेकर हाजिर है। अगर आप श्रीमती वैष्णो देवी यात्रा पर जाकर अपना नया साल सेलिब्रेट करना चाहते हैं माता रानी के चरणों में, तो भाई ये वीडियो देखना ना भूले। देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ थी जब 2020 खत्म होने वाला था और 21 शुरू होने वाला था। तो मैं बताने वाला हूं, अब 2021 खत्म होने वाला है और 22 शुरू होने वाला है, तो आपको कितनी भीड़ मिलेगी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में। तो वीडियो अंत तक देखते रहे अगर आप भी जानना चाहते हैं संपूर्ण जानकारी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में हर बार माता रानी की यात्रा पर बहुत ही भारी भीड़ देखी जाती है। और वो भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि भक्तों को रुकने तक की जगह नहीं मिलती। साथ में अगर बर्फबारी हो जाए तो यात्रा और भी ज्यादा अद्भुत बन जाती है। हालांकि भक्त इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि माता रानी की यात्रा पर नया साल मनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। जैसे कि प्रतिदिन 25 से 30 हजार भक्त यात्रा पर जाएंगे ही जाएंगे। माता रानी के भवन पर रुकने के लिए आपको शायद ही कोई रुकने की जगह मिल सके। भले ही आप बात करें भवन की, अर्धकुंवारी की या फिर सांझी छत की, आपको कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिलेगी। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो, हर जगह आप चेक कर सकते हैं। 25 दिसंबर 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक सब कुछ पहले ही बुक हो चुका है। ये पिछले साल का नजारा है जब 2021 शुरू होने वाला था। देख सकते हैं भैरव घाटी का जो रास्ता है, जो भैरव घाटी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी। ये वो लाइन है जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए लगी थी। आप देख सकते हैं कैसे ये लाइन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई थी। भैरव घाटी की ओर ये लाइन बढ़ चुकी थी। कुछ इसी तरीके से नजारा देखने को मिला था और ये भक्त माता रानी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब थे। तो अगर आप नए साल पर जाने का सोच रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं देखिए भवन परिसर में मैं आपको लेके आ गया हूँ। पुराने साल में भवन परिसर में कुछ ऐसा ही नजारा बना हुआ था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर बैरिकेटिंग करनी पड़ी। यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेटिंग करी जिससे कि भक्त ज्यादा अंदर भवन तक ना जा सकें, क्योंकि भक्तों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और दर्शन करने में आपको नए साल पर यानी कि 2022 में अगर आप जा रहे हैं 1 जनवरी के आसपास, या फिर ये साल खत्म होते हुए आप जा रहे हैं 25 दिसंबर के बाद में, तो ध्यान रहे आपको दर्शन करने तक में लगभग 2.5 से 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, 2.5 से 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी आपको दर्शन करने में लग सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि यात्रा से जुड़ी ऐसी ही बाकी जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए जब पुराना साल खत्म हो रहा था तो भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई माता रानी के दर्शन करना चाहता था, नए साल पर अपना नया साल माता रानी के चरणों में मनाना चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं धर्मशाला से जुड़ी। अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं या फिर अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं, हालांकि आपको धर्मशाला की सुविधा मिल जाएगी, निःशुल्क कंबल की सुविधा मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 बजे तक जहां पर भी रुकना है, भले वो अर्धकुंवारी हो या फिर भवन हो, वहां पर आपको पहुंचना ही होगा। उसके बाद भक्तों की बहुत भीड़ हो जाती है और अगर आपको रुकने की जगह नहीं मिलती है तो मान के चलिए आपको ठंड में ही रात बितानी होगी। कंबल तक भी खत्म हो जाते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि भक्तों की भीड़ अचानक से ही बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं अगर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। नए साल के समय दर्शन करने में यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा रहेगा। ध्यान यही रखना है कि अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आपको जल्दी आना होगा। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप कटरा आ रहे हैं बाय ट्रेन, बाय प्लेन, अपने निजी वाहन से या फिर बस से, तो ध्यान यही रखना है कि आपको वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जानी चाहिए। अगर आपको दोनों डोजेस नहीं लगी हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा, वो भी RT-PCR। 72 घंटे से ज्यादा पुराना वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा पुराना हुआ तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो आपको उसका कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे 10 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनका आपको टेस्ट कराना ही होगा, जो कि कोरोना का RT-PCR का टेस्ट होगा। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप टेस्ट अपने राज्य से करा कर ही है, जिसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप पहले ही कन्फर्म कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर आकर यहाँ पर अपना टेस्ट कराते हैं और अगर आप गलती से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूले। साथ
इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना तो आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।